तो फ्रेंड, किसी भी खाने को कंप्लीट बनाता है एक परफेक्ट मीठा। अगर मीठा केक में हो तो खाने वाले खुश और खिलाने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए केक, वो भी बिल्कुल घर में, वो भी कढ़ाई में, बिना ओवन के, बिना बेकिंग पाउडर के और बिना मैदे के। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने लिए हैं बिस्किट क्रीम वाले जो ऑरेंज फ्लेवर में है, और ये 5 रुपये के हैं, आपको मिल जाएंगे मार्केट में। और इसके बाद मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल 2 बड़े चम्मच। फिर इसके बाद मैंने लिया है दूध जो फुल क्रीम वाला दूध है। फिर इसके बाद शुगर, और ये है कॉफ़ी। तो फिर कॉफ़ी तो हर किचन में अवेलेबल है, तो आइए फटाफट केक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट को निकाल लेंगे पैकेट से। तो फ्रेंड, बिस्किट को मैंने खोल लिया, और इस तरह से तोड़ तोड़ कर हम बिस्किट को अपने मिक्सी जार में डाल देंगे। और इसकी क्रीम भी हम नहीं निकालेंगे। अगर आप क्रीम नहीं चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे क्रीम के साथ ही बनाने वाली हूँ, जिससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा और बहुत ही बढ़िया बिस्किट लगेंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे बिस्किट इसके अंदर डाल देंगे। बिस्किट को आपको 2 टुकड़ों में करके डाल देना है। उसके बाद बाकी बचे बिस्किट को हम इसके अंदर हमने 3 पैकेट बिस्किट डाले हैं। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी शुगर डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्वीट हो जाए। स्वीट तो हमारा बिस्किट है ही है, लेकिन हम थोड़ा सा शुगर बैलेंस के लिए डालेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी कॉफ़ी 1 चम्मच। और इस कॉफ़ी को डालने के बाद हम इसको मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो मैं पाउडर बना के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। अब इसके बाद हम इसे अपने बोल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इतना ये हो गया है काफ़ी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना रिफाइंड ऑयल। और अब इसके बाद हमने 2 चम्मच डाला है। और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे अपना दूध। और दूध हम धीरे धीरे डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड, दूध आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाइए इस तरह से। थोड़ा दूध और हम डाल देंगे, इसलिए ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो देखिए कितना स्मूथ ये गोल हमारा हो गया है। तो कुल मिलाकर मैंने इसमें 1 कप दूध डाला है। थोड़ा दूध और हम डालेंगे, और इस तरह से हम इसको इस तरह से हम गोल बना लेंगे इसका। और ये देखिए कितना स्मूथ है। अब इसको हम कम से कम 5 मिनट रेस्ट करने पर छोड़ देंगे, ताकि जो इसमें थोड़े से बहुत दाने नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं और स्मूथ हो जाइए। तो इसीलिए हम इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, फिर इसके बाद ही हम इसे बेक करेंगे। तो हम तब तक अपनी कढ़ाई 5 मिनट हो गए, हमारा जो पेस्ट था वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ हो गया है। इस तरह से देख सकते हैं आप कितना बढ़िया तरीके से क्रीमी हो गया है। तो आइए अब इसको हम बेक करने से पहले इसमें डाल देंगे एलो, ये वाला। तो ये 8 रुपये का मिलता है, आपको हर शॉप में मिल जाएगा। और इसको हम डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध भी डालेंगे 1 चम्मच तक, और अब इसे मिला देंगे। तो फिर इससे डालने के बाद आपको धीरे धीरे और एक डायरेक्शन में मिलाना है। थोड़ा सा दूध जरूर डालिएगा, इससे जो आपका इलो है वो काफ़ी, तो फ्रेंड इससे जो आपका इनो है वो अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। और इस तरह से एक डायरेक्शन में चला लेंगे। अब इसके बाद आइए हम इसे बेक करते हैं। तो बेक हम कढ़ाई में करेंगे। तो इस तरह की हम एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेंगे, और ये देखिए हमारी जो कढ़ाई है काफ़ी मोटे तले की है। इस तरह से इस तरह की ही कढ़ाई का आपको यूज़ करना है। अब इस कढ़ाई को हम इस तरह से डाल देंगे घी, आप बटर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड इस पर हम डाल देंगे इस तरह से ऑयल,
और इसे अच्छी तरह से अपने पूरी कढ़ाई में लगा देंगे। और फिर इसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर ना हो, जो कि हर किचन में अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे नॉर्मली वाले कागज़ से भी, जो आपके पास कोई भी कागज़ हो पेपर, उसे इस तरह से रख दीजिएगा इसके ऊपर, रख कर इस तरह से इसको चेक कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है, आपको अब इसके ऊपर भी इस तरह से ऑयल डालना है ताकि आपका केक चिपके ना। तो इस तरह से हम इसके ऊपर भी पूरा कागज पर ऑयल लगा देंगे। तो फिर ऑयल आपको ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपका जो केक है वो चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। तो इस तरह से इसमें लगा लेंगे। और अब इसके बाद हमने अच्छी तरह से लगा लिया है, अब अपने तैयार बटर को हम इस तरह से डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से कर देंगे कागज़ को। और इस तरह से करने के बाद अब इसको हम गैस से कम 30 मिनट तक ढक्कन रखकर पकाएंगे, और इसे खोलना नहीं है, बीच में 30 मिनट बाद ही हम इसे खोलेंगे। और इसके पहले अब हम इसे डाल देते हैं थोड़े से बादाम। इस तरह से आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं इसके ऊपर। आइए इसे हम बेक करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने गैस पे से रख दिया है मीडियम फ्लेम पे, आपको इसे 20 मिनट ढककर बेक करना है। 20 मिनट हो चुके हैं, आइए अपने केक को चेक करते हैं अब तक हमारा केक कुक हो गया होगा। तो इस तरह से हम हल्के से ढक्कन को हटा लेंगे, और ये देखिए हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। इस तरह से जब स्क्रैचेज आने लगे तो समझ जाइएगा कि केक बढ़िया तरीके से बेक हो गया है। इस तरह से हम इसे चक्कू डालकर देखेंगे, अगर चक्कू में कुछ भी नहीं लग रहा है तो समझ जाइएगा कि केक बेक है। अब इसे हम ठंडा होने के बाद ही काटेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेट मिले।